नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों आप आ गए हैं आज नए रिव्यू एनालिसिस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आज यानी 19 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग रिव्यू एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे और उनसे संबंधित क्या क्या फैक्ट आपको पता होने चाहिए जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों अगर हम लोग मैथ और रीजनिंग की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, चक्रवृद्धि व्याज, साधारण व्याज, सीटिंग अरेंजमेंट, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इन सब पे आपके काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। इसका आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाने का भी आपको कोई मतलब नहीं बनता। वैसे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसका आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम के कोच का नाम पूछा गया था। एग्जैक्टली देखिए मुझे ये नहीं पता है कि वो आपके गेंदबाजी कोच का नाम पूछा गया था या फिर आपके जो है बल्लेबाजी के लिए पूछा गया था। तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं दोस्तों अभी वो रवि शास्त्री हैं। रवि शास्त्री को 15वें कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा दोस्तों देखिए अगर पूछा जाए कि गेंदबाजी के कोच कौन है, दोस्तों आपके पहले हमारे तेज गेंदबाज जो है हुआ करते जहीर खान जो थे, जहीर खान को ही गेंदबाजी का कोच बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी का कोच बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको अलग अलग अगर पूछा जाता है तो इस प्रकार से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एक सीरीज से बात करें दोस्तों कि अब तक के कितने आपके बन चुके हैं दोस्तों, तो उसमें आपको मैं नाम बता दूं। सबसे पहले आपके बिशन सिंह बेदी जो हैं उनको बनाया गया था भारतीय क्रिकेट टीम का कोच, वो 90 से 91 तक की कोच रहे थे। उसके बाद अब्बास अली बेग आए, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों अजीत वाडेकर जो हैं वो आपके कोच रहे थे, वो 1992 से 1996 तक थे। उसके बाद संदीप पाटिल आए दोस्तों, वो 96 में ही थे, मतलब 96 में ही वो सिर्फ कोच रहे। उसके बाद दोस्तों मदन लाल आए, वो 1996 से 97 तक वो कोच रहे। उसके बाद दोस्तों अंशुमान गायकवाड़ आए, वो आपके 97 से 99 तक कोच रहे थे। फिर कपिल देव आए थे, वो 2000 तक थे, 99 से लेकर के 2000 तक थे, ठीक है। फिर आपके आए थे जॉन राइट आपके न्यूजीलैंड से थे और 2000 से 2005 तक की वो आपके जो है कोच थे। फिर ग्रेग चैपल आए थे तो वो 5 से लेकर के 7 तक थे। गैरी कस्टन आए थे दोस्तों, वो आपके 7 से लेकर 11 तक थे, वो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते थे। उसके बाद दोस्तों नाम सुना होगा डंकन फ्लेचर का, डंकन फ्लेचर जो है दोस्तों वो जिम्बाब्वे से बिलोंग करते थे, वो 11 से लेकर के 15 तक कोच थे, ठीक है। फिर दोस्तों अभी आपके रवि शास्त्री जी कोच हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आप इसको अगर दिमाग में रखेंगे तो मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन पुराने में से भी अगर पूछा जाता है तो आप उसको कर सकें। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट करते जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको प्रश्न आया हुआ था कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मंत्री कौन है, ठीक है। दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मंत्री हैं उनका नाम है मेनका गांधी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ प्रश्न आया हुआ था, एक्जैक्टली क्या प्रश्न आया था उसका मुझे पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फॉस्फोरस का सिंबल पूछा गया था, तो फॉस्फोरस को हम लोग पी से दर्शाते हैं, इसका सिंबल जो है पी होता है इसका प्रतीक। और दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए तो 15 होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये भी आज आपकी लगातार आपका देखिए एटॉमिक नंबर से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, तो आज सिंबल ही उठा के पूछ दिया, तो कम से कम एटॉमिक नंबर तो याद करके रखिए, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था दोस्तों, तो कल भी आपको दोनों शिफ्ट में विटामिन का रासायनिक नाम पूछा गया था और आज भी पूछा गया है विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो टोकोफेरॉल है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने इसका जो विटामिन के पूरे रासायनिक नाम होते हैं उनकी कमी से क्या क्या रोग होता है पूरा उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ऑलरेडी दे रखा है, कल ही मैंने इसको अपलोड कर दिया था, आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण पीडीएफ मैं उसमें अपलोड करती रहती हूँ, आप तो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। @शिक्षाश्री करके आप सर्च कर सकते हैं तो इसको आपको पूरी लिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सो इसके अलावा देखिए अगर मैं ओरली अगर आपको बताऊँ तो विटामिन ई का आपको रासायनिक नाम देखिए क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ए का पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर विटामिन बी का पूछता है तो आपको क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। सी का कल पूछा था तो स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है डी का क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। अगर मान लीजिए आपको के का पूछता है तो क्या होता है, फाइलीक्विनोन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ओरली याद होनी चाहिए, आसान होता है, ये सब याद कर लिया करिए। इसके बाद पूछा गया पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि धर्म चक्र जो होता है बौद्ध धर्म में क्या दर्शाता है, ठीक है। दोस्तों धर्म चक्र जो है बौद्ध धर्म के नियम, जन्म और पुनर्जन्म की जो पूरा की उसकी निरंतरता का प्रतीक होता है, मतलब उसकी जो पूरी निरंतरता है धर्म के नियम की, जन्म की और पुनर्जन्म की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसका प्रतीक होता है आपका धर्म चक्र, ठीक है। दोस्तों धर्म चक्र जनरली देखिए गोल आकार का होता है, उसमें आपने देखा होगा चार जो है तीड़ियाँ उसमें होती हैं, और ये जो उसमें जो चार तीड़ियाँ होती हैं दोस्तों वो क्या इंगित करती हैं, अभी मैं आपको बता दूं, वो बुद्ध के जीवन के चार निर्णायक क्षणों को वो इंगित करती हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसको आपको ये जो भी इससे रिलेटेड आपको पूछा था कि धर्म संबंधी भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि धवन सोडा का फुल का रासायनिक नाम, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, रासायनिक नाम संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पूरा प्रोवाइड करा दिया था कि कौन कौन से रासायनिक नाम आपको किसके किसके याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने उसके अलावा दोस्तों मैंने अम्ल, क्षार और लवण भी पढ़ाया, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे रासायनिक नाम आपको याद करवाया था, ठीक है। तो उसका PDF मैंने वहाँ पर दिया, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो Na2CO3 जो है ये धवन सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ICC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये आपका क्या है, ICC का फुल फॉर्म है। देखिए ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म छोटे मोटे पूछ दिए जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान में उसको रखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, जैसे कि जैसे अगर हम लोग ऐसे शॉर्ट में बात करें तो LLB वगैरह तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, मतलब डिग्री में अगर हम लोग जाएँ तो ऐसे बहुत सारे आपके फॉल फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपका ATM अगर पूछ देता है तो ATM को फुल फॉर्म आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फुल फॉर्म से आप जितना अच्छा, एक बार पहले आपको CNG का भी पूछ दिया था, LPG का भी पूछ दिया था, FIFA का भी फुल फॉर्म अभी हाल ही में पूछा गया दोस्तों। FIFA का फॉर्म आपको पता होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल जो है वो आपका किसका फुल फॉर्म होता है, FIFA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा आपको याद रखना होगा क्योंकि कुछ भी इसमें से एग्जाम में फुल फॉर्म संबंधी चीज़ें पूछ दी जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ITF का फुल फॉर्म पूछा गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ITF का फुल फॉर्म आपका क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, ये पूछा गया था दोस्तों। और ऐसे ही आपको पूछा गया है कि PPF का फुल फॉर्म कुछ पूछा गया था दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये PPF का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म ऐसे ही कहीं से भी रैंडमली उठा के पूछ देता है, ठीक है। Formula 1 रेस में हरी झंडी का क्या मतलब है ये पूछा गया दोस्तों, तो Formula 1 रेस में हरी झंडी का मतलब होता है कि आगे से सब ठीक है और चालक, मैं यहाँ पे चालक लेना चाहती थी, ये गलती हो गई थोड़ी, तो चालक जो है अपनी गति से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ये है Formula 1 रेस में कि उस हरी झंडी का मतलब होता है कि आगे जो आगे इस रास्ता ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे आप जो भी चालक चला रहा है वो अपनी गति से आगे बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे हैं Formula 1 रेस क्या है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि Formula 1 रेस जो कि मतलब F1 से भी जाना जाता है, ये आपकी एक ऑटोमोबाइल रेस, एक पूरी प्रतियोगिता होती है। और दोस्तों उसका आयोजन कौन करता है ये अगर आपको पूछा है तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था जो है वो इसका आयोजन करती है, ठीक है। और दोस्तों इस संस्था की स्थापना आपकी 1904 में हुई थी और इसमें जो प्रतियोगिता होती है दोस्तों, ये इस प्रतियोगिता का नाम रखा जाता है Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो दोस्तों इसमें यही है कि पूरा एक रेस की पूरी एक श्रृंखला टाइप की होती है, उसमें जो है ऑटोमोबाइल से जो है रेस होती है। देखिए अगर आपको आज पूछा गया कि हरी झंडी का मतलब क्या है, वैसे मैं आपको कुछ और झंडे इसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए अगर इसमें इस रेस के दौरान चेक रंग का झंडा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका मतलब होता है कि रेस कंप्लीट करने वाले हर खिलाड़ी को मतलब अपना रेस जो है वो ख़त्म करना, मतलब उसकी अब रेस जो है वो ख़त्म हो चुकी, ये चीज़ दर्शाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसमें चेक रंग के झंडे का मतलब यही होता है कि पूरा रेस जो है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। पीले रंग के झंडे का अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो पीले रंग का झंडा जो है वो आपका क्या दर्शाता है, उसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब आगे किसी गाड़ी, कोई गाड़ी से आगे की जो चालक है उसकी गाड़ी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए लाल रंग की झंडी को पूछा जाता है तो उससे क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आगे जो है खराब मौसम है या आगे कुछ बड़ी दुर्घटना ऐसी हो गई है तो उसको वो राउंड जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लाल रंग के झंडे के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, बेसिक कलर भी उसमें यूज़ किया जाता है। तो बेसिक अगर झंडा दिखाया जाता है बेसिक कलर का झंडा, तो उसका मतलब ये हो गया कि आगे जो रास्ता है उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बता दिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और जापान की राजधानी का नाम पूछा गया दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है, ईटानगर है, और जापान की आप जानते होंगे कि टोक्यो है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ लेता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री दोस्तों शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री आपका किसके सामने शपथ लेता है, राष्ट्रपति के सामने जो है वो शपथ लेता है, ठीक है। कब संबंधित भी दोस्तों आपके कुछ प्रश्न आए हुए थे, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था मुझे याद नहीं है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कब संबंधित क्या प्रश्न आया हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। देखिए आपका कुछ अगर हम लोग ऐसे खेल से संबंधित बातें
बातें करें। तो खेल का मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है, वो मैं आपको उसे बता देती हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए आपका एक आया हुआ था कि जो माइकल जेफरी हैं वो माइकल जेफरी जार्डन वो किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि वो आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल से संबंधित हैं, खेल से ये पूछा गया था। और कुछ कप किसी कप से संबंधित पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए ऐसे मैं आपको अगर बताऊँ दोस्तों, तो मुझे लगता है शायद गोल्फ कप से पूछा गया था। गोल्फ कप जो है, गोल्फ में कौन सा कप दिया जाता है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपका आया हुआ था दोस्तों। गोल्फ में देखिए मैं आपको कुछ बता दूं ऐसे, अगर ऐसे तो गोल्फ में देखिए पुरुष वर्ग में राइडर कप दिया जाता है, गोल्फ में महिला में आपका सालिम कप दिया जाता है, ठीक है, और वॉकर कप होता है गोल्फ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गोल्फ संबंधी कप आपका आया हुआ था आज एग्जाम में, ठीक है। तो कप वाला जो पूरा भी लिस्ट आपको जहाँ से मिले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर रोज़ दोस्तों आपको लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से क्वेश्चन डेली आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज आपका जो है प्रधानमंत्री के से संबंध में क्वेश्चन अगर आया हुआ है, तो इससे संबंधित चीज़ें और आपको ये जानी चाहिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी राष्ट्रपति के कुछ दिन पहले पूछा था, तो प्रधानमंत्री के जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है आपकी 25 वर्ष चाहिए होती है, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों इसको याद रखिएगा। आपके जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उसको देख लीजिएगा। राज्यों के नाम जो है संविधान के कौन सी अनुसूची में आते हैं, दोस्तों राज्यों के नाम आपकी पहली अनुसूची में आते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष का भी एक प्रश्न आया हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये जो समिति है इससे संबंधित आपका क्या क्या प्रश्न और बन सकता है वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। ये जो प्रारूप समिति, इसका गठन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका गठन आपका हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है, इसे याद रखिए। और जब ये बना था तो उसमें 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसमें भीमराव अंबेडकर के अलावा एन गोपाल स्वामी आयंगर थे और के एम मुंशी थे और आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और बी एल मित्रा थे, डी पी खैतान थे, ठीक है। ये लोग बाकी भी इसमें आपके सदस्य जो है वो थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था खासी कहाँ की राज्य भाषा है, ठीक है। दोस्तों इससे आपको प्रश्न आया हुआ है, तो खासी जो है वो मेघालय की राजभाषा है, ठीक है। और आपको दोस्तों ये आपको पूछा गया था कि जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों संविधान से बात करें, तो आज आपका संविधान से बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, फिर भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, संविधान वगैरह से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, अगर आप संविधान और हिस्ट्री को जितना अच्छे से पढ़ के जाते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको देखिए अगर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन लेना है, इसकी जो पीडीएफ है वो लेनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस जो भी आपको एग्जाम में आ रहा है उस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डेली प्रोवाइड करवा रही हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।